गुड मॉर्निंग स्टैंड ऑफ आई, ओपन योर साइंस बुक चैप्टर नंबर 12। इस चैप्टर को हम लोग पूरा पिछले क्लास में पढ़ लिए थे बच्चों, ठीक है। आज हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए आप पेज नंबर 122 निकालिए बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग बुक से कॉपी में नोट डाउन कीजिए और हम लोग आंसर फिलअप करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स का बच्चों, द कटिंग डाउन ऑफ ट्री इज कॉल्ड, जो हम लोग ट्रीज के ज्यादा से ज्यादा कटिंग कर रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डीफॉरेस्टेशन बोलते हैं बच्चों। क्या भरेंगे उसमें, डीफॉरेस्टेशन, डीई एफ ओ आर ई एस टी ए टी आई ओ एन, डीफॉरेस्टेशन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है बच्चों, डैश इज द फर्स्ट लेयर ऑफ सॉइल फ्रॉम द टॉप, लेयर सॉइल का जब हम लोग लेयर फर्स्ट टॉप सॉइल लेयर को हम लोग उसमें क्या पाया जाता है इसके बारे में फिलअप करना है। सेकेंड में हम लोग क्या भरेंगे, ह्यूमस, एच यू एम यू एस, ह्यूमस। थर्ड नंबर क्वेश्चन है बच्चों, आप बुक में देखिए, इम्बैंकमेंट हेल्प्स टू प्रिवेंट डैश, इम्बैंकमेंट करने से वो क्या चीज को प्रिवेंट करने का काम करता है, किस चीज को प्रिवेंट करने का, क्या बताए थे हम लोग, इम्बैंकमेंट के कारण सॉइल इरोजन नहीं होता है बच्चों। तो थर्ड में हम लोग क्या फिलअप करेंगे, सॉइल इरोजन, एस ओ आर ई एल सॉइल, ई आर ओ एस आई ओ एन, इरोजन। नंबर फोर क्वेश्चन है बच्चों, द बेड रॉक कंटेंट्स डैश वाटर, बेड रॉक में वाटर कितनी मात्रा में पाई जाती है, तो वहां पे लेस मात्रा में वाटर पाई जाती है, इसलिए फोर में फिलअप करेंगे एलई डबल एस लेस। नंबर फाइव क्वेश्चन है बच्चों, डैश बाय केटल काउजेस सॉइल इरोजन, केटल के किस के कारण हमें सॉइल इरोजन होता है, तो आपको बताए थे कि ओवर ग्रेजिंग के कारण, ज्यादा से ज्यादा केटल का एक पार्टिकुलर एरिया में अगर हम लोग ज्यादा ओवर ग्रेजिंग करवाते हैं तो वो भी एक काउज है सॉइल इरोजन का बच्चों। तो फिफ्थ नंबर में हम लोग क्या फिलअप करेंगे, ओवर ग्रेजिंग, ओ वी ई आर जी आर ए जेड आई एन जी। तो फिल इन द ब्लैंक्स आप लोग पूरा फिलअप कर दिए बच्चों, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ट्रू एंड फॉल्स करेंगे बच्चों, क्या करेंगे, ट्रू एंड फॉल्स। तो ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन को आप लोग कॉपी में नोट डाउन कीजिए बच्चों, और हम क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, ट्रू है या फॉल्स, आप उसका आंसर लिखते जाइएगा, फिलअप करते जाइएगा, ठीक है। जिसमें पहला नंबर क्वेश्चन है बच्चों, ह्यूमस मेक्स द सॉइल फर्टाइल, ह्यूमस क्या करता है, क्या ह्यूमस सॉइल को फर्टाइल करता है, तो इसका हम आंसर क्या लिखेंगे बच्चों, ट्रू, पी आर यू ई ट्रू। दूसरा नंबर क्वेश्चन है बच्चों, सी इन योर बुक, टॉप सॉइल है लार्ज रॉक्स, क्या टॉप सॉइल में बड़े बड़े पत्थर पाए जाते हैं, तो नहीं पाए जाते हैं ना, यहाँ पर क्या भर देंगे, फॉल्स, एफ एल एस ई फॉल्स। नंबर थ्री क्वेश्चन है बच्चों, विंड एंड वाटर डू नॉट रिमूव सॉइल, क्या विंड और वाटर सॉइल को रिमूव नहीं करते हैं, रिमूव करते हैं ना, ये आपको हम बताए थे, तो ये क्या स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया, यहाँ पर क्या लिख देंगे, फॉल्स। नंबर फोर क्वेश्चन है बच्चों, द लेयर ऑफ सॉइल इज ऑल्सो कॉल्ड द सॉइल प्रोफाइल, क्या लेयर ऑफ सॉइल को सॉइल प्रोफाइल भी कहा जाता है, तो आपको बताए थे ना कि कहा जाता है, तो इस स्टेटमेंट को हम लोग क्या लिख देंगे, ट्रू, टी आर यू ई ट्रू। नंबर फाइव क्वेश्चन है बच्चों, अर्थवर्म इज कंसिडर्ड एज ए फार्मर्स फ्रेंड, क्या अर्थवर्म को किसान का फार्मर्स का दोस्त बोला जाता है, फ्रेंड बोला जाता है, तो क्या आप लिखेंगे इसका, ट्रू, क्योंकि आपको हम बताए थे कि अर्थवर्म क्या करता है, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है, वो अर्थवर्म डिगिंग करके मिट्टी की कुड़ाई करके जो अपना घर बनाता है बच्चों, उससे मिट्टी की फर्टिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये हो गया ट्रू और फॉल्स के बारे में, ठीक है। एक बार हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, फर्स्ट नंबर में क्या भरेंगे हम लोग, ट्रू भरेंगे, सेकेंड नंबर में फॉल्स भरेंगे बच्चों, थर्ड में फॉल्स, फोर्थ में ट्रू और फिफ्थ में ट्रू भरेंगे। ये सारा नोट डाउन आप अपनी कॉपी में कर लीजिए बच्चों, ठीक है। अब नेक्स्ट डे हम लोग क्या करेंगे, इसी चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन को, कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन को करेंगे बच्चों,
ठीक है, ये इसको नोट डाउन करके घरों में आप इसको याद कीजिएगा, अच्छे से रिमेम्बर कीजिएगा इस चैप्टर के। कल हम लोग आगे शॉर्ट क्वेश्चन को लिखाएंगे, कंटिन्यू करेंगे। ओके बाय बच्चों।